नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार 7 TV न्यूज। खबर है यूपी के मिर्जापुर से। महिला के साथ जबरदस्ती छेड़खानी करते हुए दो लड़के हुए गिरफ्तार। मिर्जापुर लालगंज कोतवाली के तिलाव चौकी के अंतर्गत ग्राम पिपरहा में एक महिला जिसका नाम नीलम देवी बता रही है, वह अपना झाड़ फूक कराने के लिए सहजी गई थी। वहां से वापस लौटते वक्त दो लड़कों द्वारा दोबहा घाट जंगल में उसे जबरदस्ती गाड़ी पर बैठा रखे थे। यह दोनों व्यक्ति हलिया के रहने वाले थे। गाड़ी पर ना बैठने पर जबरदस्ती उसके कपड़े फाड़े और जबरन जंगल की तरफ ले जाने लगे। उसके शरीर पर दांतों के निशान भी पाए गए हैं। दोनों लड़कों द्वारा यह कहा जा रहा था कि हमारी भैंस खो गई है, हम खोजने निकले हैं। मौके पर स्थानीय प्रशासन ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। स्टार 7 TV न्यूज की कवरेज, दिलीप मिश्रा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नीलम देवी। नीलम देवी, क्या समस्या है? बड़ी भीड़ है। दोबहा देवघोटा। ये क्या समस्या है आपके साथ? काफी लोग जुटे हैं। हम झरा के आए थे और ये लोग मिले हमसे। कहाँ झरा सहजी गए? हमारा घर कहाँ पड़ेगा? हमारा घर वहाँ में आपका घर है। आप और झराने कहाँ गई थी? अरे क्या झराने गई थी? खोदते है तो वहाँ से आप वापस आ रही थी? तो ये लोग कहाँ मिले? ये लोग हमके मतलब हमारे नजर में वहाँ मोर पे आए। वहाँ से हम आगे थोड़ा सा मतलब इन्हें ब्रेक होत उन्हें वहाँ से आए। आए कि मतलब कहत हैं कि चलो बैठो हमारे गाड़ी पे, चलो तुमको पहुँचा दे। आपका कि नहीं, हम नहीं जाएंगे आपके पास। अच्छा बताइए, आप इन लोगों को जानती हो? नहीं, हम इन लोगों कोई को नहीं जानते। आप नहीं जानती हो? हाँ, तो ये कहे कि चलिए बैठिए, तुमको छोड़ दे। हम क्यों रेंग रही हूँ, धूप लग रहा है। हम कहे हम नहीं बैठे। आपका पीछा करते करते यहाँ तक? हाँ, हमारे पीछा यहाँ करते करते आए तो एक जो ने है ये बोला कि अरे यार माल मस्त है, पकड़िए इसको। इतने में हम कहे तुम्हारे लोग माँ बहन नहीं है, गंवार कहीं के धरंजय। हमारा नाम भी आप जानती हैं? हाँ, तो अभी ना बताए थे हम धीरज। हाँ, वो बताया था कि धीरज। हाँ, धीरज धरंजय। दो लोग मिलकर पकड़े हैं आपके साथ? हाँ, कोशिश किया, दाँते होते काटा हमको, ये देखिए दांत का कमी लगा हो सकता है सर जी, आप देखिए ये दांत काटे। चले बच्चा तो चलिए, ये दांत का कटा हो सकता है। जब ये लोग कहाँ पकड़े आपको? हमको यहीं पे पकड़े, यहीं पे हम गाली दिए इसको कि तुम्हारे पास माँ बहन नहीं है। इतने में आपका नैहर कहाँ है? हमारा नैहर है वहाँ धुरिया। धुरिया, देवघटा पांडे। अच्छा, देवघटा पांडे धुरिया है और यहाँ ससुराल है। आपके पति का क्या नाम है? राम प्रकाश। हम यहाँ पे लोग बाज रहे थे, हमको मतलब एक हमारा हाथ पकड़ा है, एक हमारे गले वले पे मतलब एकदम दांत काट रहा है और हम घिघिया रहे हैं। इसके बाद हम उधर से गाड़ी आई और मतलब एकदम बाज के इसके छोड़ दिए। गाड़ी घूम के आई और इसको चाबी मतलब अपना ले लिया और वो घिघिया लेने लगे, रोने लगे थे। जब गाड़ी आ गई, क्या कर रहे तुम लोग? ये कह रहे हम कुछ नहीं करे, कुछ अनार कर रहे। कितने लोग थे? ये दोनों दो थे। दो लोग थे? हाँ। तो आपको घसीट के जंगल तक लेकर गए थे या तो फिर घसीट रहे थे तभी जंगल? घसीट, हाँ, जंगल तक घसीट रहे थे, कुतरिया घसीटे था मतलब क्या लगे। एक आदमी पकड़ा गए जंगल में, इसको ले चलो जंगल में। तुम इतना काय उतावला हो? आपका क्या नाम है? क्या तुम? नहीं, हमारा नाम धनंजय मौर्या है। हमारे बड़े पापा के लड़के कहाँ के रहने वाले हो? हलिया के। यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ हमारी भैंस दो दिन से खूंटे पर से चोरी हो गई है। हमने हलिया थाने में FIR भी दिए है। हाँ। वही हम लोग खोजने आए हैं। तो यहाँ भैंस ढूंढने आए थे? भैंस ढूंढने आए थे। महिला कह रही है कि आप पकड़ के घसीट रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए। अंकल जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है शंभू प्रसाद दुबे। शंभू प्रसाद दुबे, ये जो घटना हो रहा था, क्या आप मौके पे थे? हाँ, कि गाड़ी लेके उधर से आ रहे थे, पूर्व साइड से इधर आ रहे थे, पश्चिम साइड। आपका घर कहाँ पड़ेगा? हमारा घर है उसरी पांडे, यहाँ धोबा देवघटा में भी है। अच्छा, ये बताइए अंकल जी कि आप किस तरह से देखे इन लोगों को? हम देखे कि ये लड़की जो है दोनों से लड़ी हुई है और अपना बचाव कर रही है और ये लोग जबरन घसीट रहे थे जंगल साइड में। हाँ, घसीट रहे थे। इसके बाद हम जो है, आप इधर देखो उसकी दिक्कत है, आप इधर देखो। हाँ, हम जो है तुरंत जो है अपनी गाड़ी को खड़ी के, तब तक हमारे पीछे एक लड़का और आ गया। जी जी जी, लड़का आ गया, बस हो गया। इसके बाद हम तब तक वो अमरनाथ आ गया। जी जी, उससे कहे भाई यार तुम वीडियो बना लो इसका। जी जी, वीडियो बना कर आप मौके पे घसीटते हुए देखे हैं? हाँ, हम तो दूर से देखे हैं भाई, हम अपनी गाड़ी चला रहे थे, ये गाड़ी चला रहे थे, इसी गाड़ी से हम देखे हैं कि घसीट। हमने कहा यार देखो ये क्या हो रहा है घसीटा सर, उसके बयान में ऐसा कुछ है। जानकारी देने के लिए धन्यवाद।